अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग है, वो इसलिए क्योंकि आज जो है बारिश रात को भी हुई थी और यानी 12 बजे के बाद, तो आज थ्रू आउट जो है वो लगता है कुछ ऐसे कि बारिश ही बारिश रहेगी। तो आई एम सो हैप्पी क्योंकि मेरे पौधों को भी थोड़ा बहुत पानी लग गया भाई, क्योंकि मैं 2 दिन से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो मैं पानी नहीं देने के लिए आ रही थी इनको। तो वैसे भी अब मौसम ज़रा थोड़ा सा चेंज हो गया है तो काफ़ी कम पानी मांगते हैं ये, बट फिर भी देना होता है, ख्याल करना होता है, चेक इन बैलेंस रखना पड़ता है कि अगर तो कम है पानी तो लाजमी दें। तो अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कि अच्छा, जो बात डिस्कस करने वाली है वो ये है कि फ्लावर्स वाले जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं उनके साथ मसला क्या आता है। अच्छा, फ्लावर वाले जितने भी होते हैं आपके पौधे, उनको ज़रा थोड़ा सा अपने सब्ज़ी फलों वालों से थोड़ा सा दूर रखा करें, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो जो पेस्ट है उनका अटैक बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। अभी मैं काट रही थी उसके पत्ते, तो काफ़ी हद तक मैंने काट दी और फिर मेरे जहन में आया कि मैं क्यों ना ये चीज़ जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करूँ, जो कि करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ की अवेयरनेस है तो मुझे जो है वो चीज़ लाजमी शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ कि मसला कहाँ पे है। ये देखिए, ये जो इसके ऊपर जो ब्लैक ब्लैक है ना, आई होप यू कैन सी, ये देखें, और ये भी, ये बल्कि देखें मेरे हाथों पे भी लग गए हुए, ये छोटे छोटे ब्लैक कलर के, इनके बैक साइड पे देखें, ये रहे, ये कीड़े हैं, ये जो खा जाएंगे फिर इनके ऊपर कोई भी फूल भी नहीं बनेंगे और ये ख़राब ही समझे हो जाएगा। ये देखें इसके भी पीछे। अब इसके लिए डिफरेंट किस्म के जो हैं वो स्प्रेज़ वग़ैरह होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। फटकड़ी का जो पानी में डाल के एक स्प्रे बना के वो भी कर सकते हैं। नीम सबसे बेस्ट जो होता है ना, वो नीम का ऑयल होता है, ठीक है। ये वाओ, लुक एट दिस, लुक एट दिस, फोकस फोकस प्लीज, अच्छा इसके अलावा जो है आप अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट मौजूद हो तो आप उसको भी जो है तकरीबन 1 लीटर पानी के अंदर आपने हाफ टी स्पून जो है वो उसका डाल के उसको शेक कर लेना है। शेक करने के बाद आप वो भी इन पेस्ट के ऊपर अगर आप करते हैं तो ये पेस्ट जो है वो उससे भी दूर हो जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर आपके जो प्लांट्स वगैरह फ्लावर प्लांट्स जो हैं वो देखें ये ग्रो नहीं करेगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बनाना है। इस टाइम बादल बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं और बड़ा ही खूबसूरत किस्म का, ये खैर कैमरे में उतना इसने कैप्चर नहीं करना कि माहौल कैसा बना है, माहौल मीन टू से कि कितना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, बहुत प्यारे। अच्छा ये वाले जो हैं मेरे, ये मैंने प्रोपगेट की थी, आई होप सो कि ये चले, इसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला आएगी। अगर ये प्रोपगेट हो गई तो फिर फुल जो है ना वो इसकी अपडेट दूंगी। और यहाँ पे जो है वो मेरे ये वाले खासे अच्छे माशाल्लाह चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है स्नेक प्लांट ने भी एक पप दे दिया हुआ है, ये इसका बेबी पप है और ये इसका मदर है, वो भी मदर है, लेकिन इस मदर ने एक ये पप दे दिया हुआ है। बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है इसलिए मुझे इसको जो है वो अंदर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको पानी लगा दिया, इसको एक्स्ट्रा पानी नहीं देते। इसको पानी देना भी हो ना ज़ाफ़रान को तो थोड़ा स्प्रे के साथ पानी देते, तो बस अब मैं इसको अंदर ले जाऊँ क्योंकि ये ज़्यादा ना तो ना वो हो जाए, ख़राब ना हो। देखा आपने कि यही जो पेस्ट हैं इन्होंने इस तरह से अटैक किया कि वो बेचारे को ना तो उसने खिलने दिया और वो मुरझा के गिर गया है वहीं पे। तो इस तरह से ये अटैक करते हैं, तो इसलिए जो है वो आपने ये चीज़ करनी है, एप्सम सॉल्ट आपके पास होगा तो आप उसमें जो मिक्स करके पानी में डिल्यूट करना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उसकी क्वांटिटी यानी 5 लीटर में आपने टेबल स्पून
एप्सम सॉल्ट के डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके तो इस तरह से बना लेना, और इस तरह से अपने पौधों को आपने स्प्रे करना है लाजमी। और ये बहुत अच्छा है आपके प्लांट्स के लिए, फ्लावर प्लांट्स के लिए, किसी तरह के प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो जैसे कि अभी ये फ्लावर प्लांट है, और साथ ही में जो है मेरा लेमन का प्लांट है, तो मैं उसके ऊपर भी इसको करूँगी। ये इसके मैं प्रेशर मैंने इसलिए इस तरह से रखा हुआ ताकि ये ज़ोर से उसके ऊपर लगे और जितने भी पेस्ट वगैरह इसके ऊपर हैं वो गिर जाएँ और ख़त्म हो जाएँ। तो ये देखें इनके ऊपर लगे तो हुए हैं, बट ये कि ये सारी यही वजह है कि ये खिल नहीं पा रहा है बेचारा, अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ये थी मेरी छोटी सी शेयरिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दिस इज़ मी अरूज साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में अपने याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।